करने के साथ ही 1 सेकंड के अंदर में नीचे आप लोग देख सकते हो आपके वाईफाई का नेम क्या है, जैसे पासवर्ड भी यहाँ पर दिख रहा है। और ये कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे वाईफाई का पासवर्ड भी दिख रहा है। लोकेशन बा भैया लोगन और उसकी बहन लोगन, भैया लोगन आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी वाईफाई के पासवर्ड को कैसे देख सकते हैं वो सीखने वाले हैं। भैया लोगन हम लोग किसी भी दोस्त के वाईफाई के पासवर्ड को उससे भीख मांग कर कनेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन वो अपने वाईफाई का पासवर्ड हमें बताता नहीं है। सर नहीं लेना है भैया लोगन, आज के इस वीडियो की हेल्प से आप लोग कनेक्टेड वाईफाई के पासवर्ड को देख सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर में। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, एकदम शॉर्ट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आप लोगों को इस टॉपिक पर कोई भी अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हिट द लाइक बटन और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे भी दबा देना, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने का। तो दोस्तों साइड में आप लोग देख सकते हो ये मेरा मोबाइल का स्क्रीन है और इस मोबाइल में ऑलरेडी एक वाईफाई कनेक्टेड है, जिस वाईफाई का पासवर्ड हमें नहीं पता है, जो आज की इस वीडियो में हम ट्रैक करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ट्रैक करने के लिए सिंपली से सबसे पहले सेटिंग वाले ऑप्शन को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों को वाईफाई का एक सेटिंग मिलेगा, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जो भी वाईफाई कनेक्टेड होगा वो ऊपर में दिखेगा और जो भी वाईफाई कनेक्टेड नहीं होगा वो नीचे में दिखेगा। मेरे केस में मेरे मोबाइल में एक ही वाईफाई कनेक्टेड है, यहाँ पर ऊपर में दिख रहा है, इस वाईफाई का कनेक्टेड आइकन दिख रहा है। इसके साइड में आप लोगों को एक तीर का निशान दिखेगा या आपके मोबाइल में कोई भी अलग आइकन मिल जाएगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, उस पर सिंपली से आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही आप लोगों के सामने में एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। तो मोबाइल में इस QR कोड के नीचे में ही आपका वाईफाई का पासवर्ड मिल जाएगा, लेकिन बहुत मोबाइल में नहीं मिलता है। जैसे मेरे केस में QR कोड के नीचे या ऊपर में मेरे वाईफाई का पासवर्ड नहीं दिख रहा है, तो टेंशन नहीं लेना, इसका भी एक सॉल्यूशन है। आप लोगों को सिंपली इस QR कोड को स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोगों को बैक आ जाना है, ठीक है। और बैक आने के बाद क्रोम ब्राउजर या आपके मोबाइल में कोई भी ब्राउजर हो उसके आप लोगों को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सर्चिंग बार में आप लोगों को सिंपली से टाइप करना है वाईफाई पासवर्ड 100 QR कोड, ठीक है, सर्च कर देना है। अगर आप लोग लिख नहीं पाओगे तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, उस पर आप लोगों को सिंपली से क्लिक करके इस वेबसाइट पर आप लोगों को आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप लोगों को 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन है ओपन कैमरा का, जिसे आप यूज नहीं करोगे। ऑप्शन है अपलोड QR कोड इमेज, इसको आप लोगों को सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लोगे, ठीक है। इंपोर्ट करने के साथ ही 1 सेकंड के अंदर में नीचे आप लोग देख सकते हो आपके वाईफाई का नेम क्या है। जैसे मेरे केस में मेरे वाईफाई का नाम Realme 9 Pro Plus है, जैसा ऊपर में आप लोग देख सकते हो। इसका पासवर्ड भी यहाँ पर दिख रहा है और ये कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे वाईफाई का पासवर्ड भी दिख रहा है। इस ट्रिक से आप लोग किसी भी कनेक्टेड वाईफाई के पासवर्ड को देख सकते हो अभी चुटकी बजाते हुए ही। और दोस्तों आप उसी वाईफाई के पासवर्ड को देख सकते हो जो आपके मोबाइल में ऑलरेडी कनेक्टेड हो, ठीक है। अदरवाइज किसी आप अलग वाईफाई के पासवर्ड को देखना चाहते हो तो कॉमेंट कर देना, अगली वीडियो में उसी पर बना दूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।